हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की, उनके मेजरमेंट्स की, उनको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स होती हैं और उनसे रिलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। हमें एक न्यूमेरिकल यहाँ पूछा गया है कि फॉर ए रिएक्शन 2A+3B गिव्स 5C, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 10 mole/L एंड इट चेंजेस टू 5 mole/L इन 20 seconds, फाइंड आउट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन -ΔB/ΔT एंड लास्ट वन इज ΔC/ΔT। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। जो रिएक्शन है 2A+3B गिव्स 5C। तो कंडीशन हमें दी गई है कि फॉर ए रिएक्शन 2A+3B गिव्स 5C, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 10 mole/L। मीन्स कि जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसेंट्रेशन चेंज की बात की गई है। इसमें दिया गया है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 10 mole/L। तो हम यहाँ लिखते हैं T=0 पर जो ए की कंसेंट्रेशन है वह क्या है, 10, एंड इट चेंजेस टू 5 mole/L इन 20 seconds। मीन्स 20 seconds में जो ए की कंसेंट्रेशन है वह क्या हो जाती है, 5। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। यहाँ पे रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन चेंज की बात की गई है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो इसे हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। रिएक्टेंट की बात हो रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, सो वी विल यूज माइनस साइन, माइनस ΔA/ΔT। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए -ΔA/ΔT कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन से जब कंडीशंस को रखेंगे तो क्या होगा, -ΔA/ΔT फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वैल्यूज जो इसकी दी हुई है फाइनल और इनिशियल वह क्या है। माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कंसेंट्रेशन मीन्स T=20 पर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 5 mole/L। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए की, 5। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या गिवन है, 10 mole/L अपॉन फाइनल टाइम इन 20 seconds। 20 seconds में यह है 10 से 5 हो रहा है, तो फाइनल टाइम होगा 20 और इनिशियल टाइम क्या होगा, 0। से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 5 - 10 = -5 बाय 20 - 0 = 20 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 mole/L/s, क्योंकि टाइम की यूनिट यहाँ की क्या दी हुई है, सेकेंड। क्लियर। सेकेंड हमसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में -1/stoichiometric coefficient दैट इज 2 ΔA/ΔT
is equals to minus 1 by 3 delta B by delta T, and that is equals to 1 by 5 delta C by delta T. Okay? Ab. अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जो दी हुई हैं। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए से किस प्रकार रिलेट कर रही है, वह है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ओके अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू कैलकुलेट की, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की 1/4, तो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 1/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट की वैल्यू होगी वह क्या होगी, 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। क्लियर? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की। अब डेल्टा बी बाय डेल्टा टी से जो आर ओ आर है वह किस प्रकार रिलेट कर रहा है, आर ओ आर इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ओके अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वह किसकी करनी है, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी की, तो माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा 3 इंटू आर ओ आर, और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड आउट की 1/8, तो 3 इंटू 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ये वैल्यू हो जाएगी 3/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट वन है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी हमें फाइंड करना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी रेट ऑफ रिएक्शन से किस प्रकार रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ हम इस एक्सप्रेशन में देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है 1/5 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा सी बाय डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू आर ओ आर, और आर ओ आर की वैल्यू हम सेकेंड पार्ट से इसमें पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 1/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यह हो जाएगा 5/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मीन्स जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, वह है 5/8 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की रिएक्शन की, उनके रेट्स की, कि किस प्रकार से उन्हें कैलकुलेट किया जाता है, क्या उनके यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करके उनके रेट्स को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। इन सब फैक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं हम इस टॉपिक में। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन की कोई एक रिएक्शन हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट है उसके नेचर का उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट्स पे क्या अफेक्ट होगा, वह हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक रिएक्शंस का। आयनिक रिएक्शंस का सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, NaCl प्लस AgNO3 gives white precipitate of AgCl plus NaNO3। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो NaCl है आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ क्या होता है, जो आयन्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, Na plus Cl minus and Ag plus NO3 minus। तो जब इस रिएक्शन को करवाया जाएगा, जब NaCl को AgNO3 में डिसॉल्व किया जाता है, तो क्या होगा, जो NaCl के आयन्स हैं वे AgNO3 के आयन से रिप्लेस होंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, और हमें विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो इसके लिए हम जब रेट की बात करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसके लिए, वह क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अब हम बात करेंगे कि किसी रिएक्टेंट के नेचर ने किस प्रकार से रेट को कंट्रोल किया, किस प्रकार से अफेक्ट किया। तो यहाँ इसी के साथ हम एग्जांपल लेते हैं, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कोवेलेंट रिएक्शंस के साथ। कोवेलेंट रिएक्शन के साथ तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया अमोनिया फॉर्मेशन का, N2+3H2 गिव्स 2 moles ऑफ अमोनिया। क्लियर? तो यहाँ हम क्या देखते हैं, N2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन एंड थ्राइस ऑफ एच सिंगल बॉन्ड एच। प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, फॉर्मेशन हो रही है अमोनिया की। तो इसमें क्या होगा कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जब टूटेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और वहाँ भी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो जो प्रोसेस होगी वो टाइम कंज्यूमिंग होगी। मीन्स कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन और एच सिंगल बॉन्ड एच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होगा, और अमोनिया में नाइट्रोजन व तीनों हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यह प्रोसीजर क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शंस, टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और जो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वह है लो होगी एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया इसको समझने के लिए कि अगर हमारे पास कंपाउंड्स आयनिक हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है, और जब कोवेलेंट हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिलती है। तो इससे क्लियर होता है कि अगर रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड्स हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, अब जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक रिलेशन लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के।
stability of reactant. देखिए कैसे, कोई एक रिएक्शन मैंने ली जिसमें रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन हो रहा है. अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, अगर मैं स्टेबिलिटी की टर्म्स में बात करूं कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वह ज़्यादा है या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होगी कि वह जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे. मीन्स उस रिएक्टेंट की टेंडेंसी होगी कि वह जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, ताकि हमें जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन है, उसकी स्टेबिलिटी मिल जाए. मीन्स स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए. वहीं अगर रिएक्टेंट के रेफरेंस में बात करें, रिएक्टेंट की रेफरेंस यानी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अगर कम है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अगर कम है मीन्स वह अनस्टेबल है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वह जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर स्टेबिलिटी को गेन करे. तो उस केस में क्या होगा, रेट्स बढ़ जाएंगी. लेकिन अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो वह अपने से कम स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, तो उस केस में जो रेट्स हैं वह कम हो जाएंगी. तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल, मीन्स कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की टेंडेंसी होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तो उतनी ज़्यादा उस रिएक्शन की रेट्स होंगी. और वहीं अगर कोई रिएक्टेंट है वह रिएक्शन में अनस्टेबल है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वह जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो एक स्टेबल फॉर्म में, एक स्टेबल प्रोडक्ट में, तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. एक एग्जाम्पल लिया मैंने CH3COOH CH3COO- plus H+. यानी कि जो एसिटिक एसिड है वह आयनाइज होकर दे रहा है CH3COO- एंड H+. एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैंने इसी के साथ लिया फॉर्मिक एसिड का, जो कि आयनाइज होकर अपने रिस्पेक्टिव आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है. अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन की, मीन्स इस रिएक्शन की, वह हाई होती है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में. कैसे, यहाँ हम देखते हैं कि जो एसीटेट आयन बना है CH3COO-, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CH3 बॉन्डेड है इस प्रकार से COO- से. अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि जो भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी क्या टेंडेंसी होती है, वह कौन सा नेचर शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट. जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वह प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है. तो अब यह इसमें क्या करेगा, जो CH3 ग्रुप है वह अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, COO ग्रुप की तरफ. अब ये ग्रुप ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, इस पे ऑलरेडी चार्ज है, और CH3 ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पे और चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. तो जितना चार्ज आएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो CH3COH है उससे जो एसीटेट आयन बना उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है CH3 ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, कम हो रही है. तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वह क्या होगी, कम होगी. जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो H ग्रुप है उसका ऐसा कोई इफेक्ट देखने को हमें इस ग्रुप पर नहीं मिलता है. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन की वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ज़्यादा होगी. किस लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप है, वह अपनी प्लस आई इफेक्ट नेचर के कारण, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके साथ अटैच्ड ग्रुप पे ट्रांसफ़र करेगा, जो कि ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है. और फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देगी. और इसकी स्टेबिलिटी कम होने के कारण इसकी रेट्स क्या होंगी,
कम हो जाएंगे और नेक्स्ट इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप है इसका ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो इसकी जो रेट्स हैं वह हाई होंगी। सेकंड हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट मीन्स कि वह रिएक्टेंट्स गैस में, सॉलिड में या लिक्विड में कौन से फेज में प्रेजेंट हैं। तो हमने जब गैस, लिक्विड और सॉलिड्स में होने वाले रिएक्शंस के लिए रेट्स को कंपेयर किया, जो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन थी उनको हमने कंपेयर किया, तो हमने देखा कि जो गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है उनके लिए रेट्स की वैल्यू लिक्विड से ज़्यादा और लिक्विड की सॉलिड से ज़्यादा है। क्यों? हम देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही है तो गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच एक रैंडम मोशन जो हो रहा है रिएक्टेंट के बीच में वह ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फ्री स्पेस है, इजीली मूव कर रहे हैं, जो रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वह क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। अब रिएक्टेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है, कोलाइड करने की, कोलिशन की, तो जितना ज़्यादा स्पेस है उतना ज़्यादा रैंडम मोशन है, उतना फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो जो इनकी कोलिशन टेंडेंसी है वह क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा कोलिशन टेंडेंसी होगी उतना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो उतनी हाई रेट्स होंगी। कोलिशन टेंडेंसी इंक्रीजेस सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जबकि लिक्विड और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो स्पेस होता है वह घटता जाता है, फ्री मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, इतने इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं हो पाते, सो इस गैस के कंपैरिजन में जो उनकी रेट्स हैं वह डिक्रीज होती चली जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस वे रिएक्शंस हैं जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो रही हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि विच हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, विच हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट से किस प्रकार अफेक्ट होंगी, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स 2HCl गैस। ओके, यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हमने लिखा जिसमें H2 है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर रहा है लाइट के प्रेजेंस में, मीन्स एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं यह किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, यह लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, देन रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब इन पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अफेक्ट की बात की जाएगी कि किस प्रकार से लाइट इंटेंसिटी इनको अफेक्ट करेगी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करूं तो लाइट इंटेंसिटी क्या होती है,
मान लीजिए कि मैं 60 वाट का बल्ब यूज़ कर रही हूँ लाइट के लिए, लेकिन यदि मैं उसे रिप्लेस कर दूँ 100 वाट से, तो मीन्स मैंने उसकी लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। तो जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, लाइट इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होने की। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने पे अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी बढ़ रही है रिएक्शन की, तो हम कह सकते हैं सिंपली कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा तो चांसेस बढ़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्ब के, एब्जॉर्प्शन के, लाइट एब्जॉर्प्शन के। तो लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ी, एक्साइटेशन बढ़ा, रिएक्शन टेंडेंसी बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी।